फ्रेंड्स, अंतराज लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे केले और साबूदाने की खीर बनाने की विधि शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम साबूदाना लेंगे और इसे 15 मिनट तक पानी में भिगो देंगे और 2 या 3 कच्चे केले लेंगे। इस केले के छिलके उतार कर इसे बारीक काट लेंगे। इसे काटने के बाद एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी या रिफाइन लेंगे और कटे हुए केले इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब केला हल्का ब्राउनिश हो जाएगा तो इसमें भिगोया हुआ साबूदाना डालेंगे और फिर इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें 2 कप दूध और 4 चम्मच चीनी डालेंगे और 2 से 3 मिनट इसे फिर पकाएंगे। इस तरह से हमारा खीर बनकर तैयार हो जाएगा और फिर स्टोव बंद कर देंगे, गैस स्टोव बंद कर देंगे। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें काजू, किशमिश, बादाम इसके टुकड़े काट करके इसके ऊपर से डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा जो खीर है वो बनकर काफ़ी अच्छा तैयार होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।